तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का, तो इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कुछ अल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं जिसे हम लोगों को देखने हैं। वो अल्टरनेटिव टर्म्स क्या हैं? तो वो है पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। तो इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में जो डिफ्यूजन के बारे में पिछले क्लास में देखा गया था, इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसमें कुछ अल्टरनेटिव टर्म्स आते हैं, दैट इज सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट एंड दी यूनिपोर्ट। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू दी मेम्ब्रेन, आइदर दी सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया या टोनोप्लास्ट जो कुछ भी है, तो किसी भी मेम्ब्रेन को जब मॉलिक्यूल पार करते हैं तो उसका एक डिफिनिट पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करता है। तो जो पैटर्न हम लोग देखते हैं, अल्टरनेटिव पैटर्न क्या है मॉलिक्यूल के मूवमेंट का, इसमें पहला आता है सिम्पोर्ट। तो इसमें क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको कर सकते हैं बोथ मॉलिक्यूल्स, बोथ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम। तो जो प्रोटीन फैसिलिटेट कर रहा है उससे सेम डायरेक्शन में वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेट अस सी, दिस इज लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड हियर ए प्रोटीन। एक चीज और ध्यान पे देना है, जो भी प्रोटीन सिम्पोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है, सच प्रोटीन नोन एज दी सिम्पोर्टर, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं सिम्पोर्टर। ऐसा कोई भी प्रोटीन जो कि सिम्पोर्ट को प्रोमोट कर रहा हो, फैसिलिटेट कर रहा हो, उसको सिम्पोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सिम्पोर्टर हो गया, तो मॉलिक्यूल है जैसे कि हाइड्रोजन आयन है, वो मूव कर रहा है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, एंड इन द सेम टाइम दूसरा मॉलिक्यूल जैसे कि सुक्रोज हो गया, वो भी मूव करेगा, जिसके साथ में हाइड्रोजन आयन के साथ में सुक्रोज भी मूव करेगा। या फिर देख सकते हैं एमिनो एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे इसके साथ में एमिनो एसिड भी मूव करेंगे। तो इस तरीके की घटना को हम लोग बोलते हैं क्या है सिम्पोर्ट, बोथ मॉलिक्यूल्स मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये मूव किए जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है ये सिम्पोर्ट है। जो मॉलिक्यूल इसको फैसिलिटेट कर रहा है प्रोटीन, वो क्या हो गया सिम्पोर्टर हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा सिम्पोर्ट। इसके बाद में एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट इसके जस्ट अपोजिट हो गया, बोथ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा एंटीपोर्ट। आगे उसको देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या हो जाते हैं बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वही बात है सिम्पोर्ट में हमने क्या देखा था सेम थिंग, यहाँ थोड़ा सा खाली डिफरेंस आ गया, यहाँ हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन, उसमें क्या था सेम डायरेक्शन। तो जब भी मॉलिक्यूल ये देखा गया है कि जब वो सेल मेम्ब्रेन को पार करते हैं तो कुछ डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन के तरफ में कोई दो मॉलिक्यूल मूव कर रहा हो, और एंटीपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो होंगे वो परस्पर विरोधी होंगे, उनका डायरेक्शन जो होगा वो अलग होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो ऐसी घटना को दिस फेनोमेनन नोन एज द एंटीपोर्ट। फॉर एग्जांपल क्या देखते हैं, तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया,
यहाँ पे हमारा हो गया फैसिलिटेट करने वाला प्रोटीन। तो जैसे वहां पे सिमपोर्ट में जो प्रोटीन था उसको सिमपोर्टर बोला गया था, ये हो गया आपका एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर वो था सिमपोर्टर और ये है एंटीपोर्टर जो फैसिलिटेट करेगा इस प्रोसेस को। इसमें क्या होंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ में जाएगा और जो सोडियम है वो सोडियम बाहर की तरफ में मूव करते हैं। तो सेम टाइम में और डायरेक्शन इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हाइड्रोजन जो है वो भीतर की तरफ में आ रहा है, तो सोडियम जो है वो बाहर की तरफ में जा रहा है। या फिर वो सोडियम पोटेशियम पंप मेथड में भी आप देख सकते हैं, वो हाइड्रोजन सॉरी सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकते हैं, या फिर क्या देखते हैं इनसाइड साइटोप्लाज्म, ये क्या है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये क्या हो गया, तो दिस वन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहाँ क्या हो गया वैक्यूल, प्लांट सेल है तो वैक्यूल, और ये हो गया आपका टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट में भी इस तरह की घटना को देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या होंगे, तो जैसे सिमपोर्ट में देखा गया था उसके विपरीत यहाँ हो रहे हैं। सिमपोर्ट में हमने देखा था उसका विपरीत यहाँ पे प्रोसेस होगा। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे सुक्रोज जो है वो अंदर की तरफ में जाएगा। सुक्रोज जो है वो भीतर की तरफ में जा रहे हैं, तो उसी समय में हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ में जा रहा है। जबकि सेल मेम्ब्रेन में ये सिमपोर्ट का प्रोसेस होता है हाइड्रोजन विद सुक्रोज, और यहाँ पे क्या हो रहा है सुक्रोज भीतर की तरफ में जाएंगे तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ में जाएगा, या हाइड्रोजन भीतर की तरफ में जाएगा तो सुक्रोज जो है वो बाहर की तरफ में जाएगा। तो यहाँ पे ये एंटीपोर्ट को एक्सप्रेस करता है। तो ये हो जाते हैं हमारे एंटीपोर्ट, बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाते हैं हमारे एंटीपोर्ट, और प्रोटीन हो गया एंटीपोर्टर। और जो नेक्स्ट है हमारा यूनिपोर्ट, तो यूनिपोर्ट को कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिंपल डिफ्यूजन देखा गया था वो आपका यूनिपोर्ट ही है, जिसमें किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किए जाते। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, वो किसी दूसरे के साथ में कोई भी कोलेबरेशन नहीं रखता है, आइदर दी मूव सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, वो इंडिपेंडेंट है। तो सच फेनोमेनन और सच मूवमेंट नोन एज दी यूनिपोर्ट, क्या है ये, मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, सो किसी दूसरे से मतलब नहीं है। तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं यूनिपोर्ट। तो ये है हमारा अल्टरनेटिव, दैट इज पैसिव, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट।